अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग एक फुल डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हो एक लिनक्स वीपीएस में, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये चीज करके दिखाने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक उबंटू फुल डेस्कटॉप इंस्टॉल किया जा सकता है एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में जो कि हम लोग रेंट करने वाले हैं लिनोड पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है एक नया लिनोड बनाना। तो मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँगा, लिनोड पर क्लिक करूँगा और एक नया लिनोड बना लूँगा। अगर आप लोगों को $100 60 डे क्रेडिट चाहिए लिनोड में, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करोगे तो आप लोगों को $100 60 डे क्रेडिट मिलेगा लिनोड में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इस तरह की चीज़ें करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर मैं भी जल्दी से क्या करूँगा कि उबंटू 22 चुन लूँगा और LTS वाला चुनूँगा। LTS वाला चुनने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये स्टेबल होता है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद मैं रीजन में इस बार डैलस चुनूँगा। वैसे आइडियली तो रीजन में आप लोगों को वो भरना चाहिए जो कि आपका नियरेस्ट रीजन है, यानी कि आपके घर से सबसे पास, जहाँ पर आप बैठे हैं आपकी लोकेशन के सबसे पास जो डेटा सेंटर है वो भरना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर डेलेस इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम डेलेस में कन्फिगर हो, क्योंकि मैं GUI उसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से ये जो डेलेस में हमारा कंप्यूटर है उसका यूट्यूब और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल US के जैसा कंप्यूटर चलेगा। अब मैं यहाँ पर शेयर्ड CPU में आऊँगा या फिर मैं डेडिकेटेड CPU की एक 16 GB मशीन बनाऊंगा, और आप चाहें तो नैनोड में भी ये काम कर सकते हैं या फिर मैं 8 GB में भी ये काम कर सकता हूँ। आई थिंक 8 GB इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ। इसके बाद मैं एक रूट पासवर्ड चुनूंगा, मैंने एक रूट पासवर्ड इसको दे दिया है, क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूँगा। ये कह रहा है भाई साहब ये पासवर्ड थोड़ा और बढ़िया कर लो, इतना घटिया पासवर्ड मत चुनो। मैंने कह दिया लिनोड से ओके लिनोड। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोविजनिंग हो रहा है, प्रोविजनिंग लिख कर आ रहा है और ये प्रोविजन हो रहा है। तो मैं वेट करूँगा इसके प्रोविजन होने का, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप क्या करो कि अपने कंप्यूटर में टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल मैं लिखूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो टर्मिनल खुल गया मेरा। अब मैं यहाँ पर जो root@ ये है ना, ये मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट करूँगा। और SSH root@ ये करने से मैं इस कंप्यूटर के अंदर SSH हो जाऊंगा, यानी कि मैं इस कंप्यूटर के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, या मैं नहीं भी देता हूं तो बहुत सिंपल से कमांड्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-4 कमांड्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला कमांड जो हम रन करेंगे अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद वो है apt-update, बट लेट्स लॉग इन टू अवर सिस्टम फर्स्ट। और यहाँ पर मैंने SSH root@ ये IP एड्रेस लिखा हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ इसके SSH हो जाने का। तो मैंने वेट किया, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको येस कर दूंगा और इसके बाद पासवर्ड डाल दूंगा। आई होप मैंने करेक्टली पासवर्ड डाला है, नहीं डाला था करेक्टली पासवर्ड इसलिए डिनाई हो गया। अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने इस VPS के अंदर, और मैं यहाँ पर सबसे पहले apt-update लिखने वाला हूँ। और apt-update मैं जैसे ही लिखूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि पैकेज इंडेक्स अपडेट होने वाली है। अब एक दूसरा काम जो मैं करूँगा वो है कि मैं एक नया यूज़र बनाऊँगा। तो एक कमांड होता है बड़ा सिंपल सा, ऐड यूज़र। आप ऐड यूज़र हैरी इस तरह से लिख लो, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा हैरी का। मैंने बड़ा बेसिक सा पासवर्ड दे दिया और ये सब चीज़ें आप एंटर मार के इसको खाली छोड़ सकते हो। फिर क्या होता है, अगर आप रूट एक्सेस देना चाहते हो तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, यूज़र मॉड -ag sudo हैरी। ये कमांड आप रन करोगे तो रूट एक्सेस जो है हैरी को मिल जाएगा, यानी कि हैरी अब एक रूट यूज़र बन चुका है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा sudo task cell, और task cell यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो हम apt install task cell करेंगे, y enter। और आप अगर इस ब्लॉग में भी देखो तो मैंने वही कमांड लिखा होगा। ये कमांड्स ऐसे हैं कि आपको याद भी हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 कमांड्स हैं, आप चाहो तो उनको याद भी कर लेना। और sudo task cell में जैसे ही लिखूंगा एक मुझे बड़ी अच्छी सी विंडो मिलेगी, और यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हो कि मुझे ऑप्शंस मिल रहे। तो मैं Debian डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ये चुन लूँगा स्पेस बार दबा के। तो मैंने स्पेस बार दबाया इसको चुनने के लिए, एंटर मारूंगा, और जैसे मैं एंटर मारूंगा ये कह रहा है प्लीज़ वेट, और ये थोड़ा सा टाइम लेके इंस्टॉल हो जाएगा। और मेरी जो मशीन है वो मैंने थोड़ी अच्छी इसीलिए चुनी है ताकि सारी चीज़ें जल्दी हो जाएं। ये काम नैनोड में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो ये काम जल्दी हो जाए तो आप लोगों को एक अच्छी मशीन बनानी पड़ेगी। और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग टाइम मैंने एक बहुत अच्छी मशीन यहाँ पर चुन ली है।
अब ये करने के बाद हम सिंपली रीबूट करेंगे, और रीबूट करने के बाद हम XRDP को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेट कर रहा हूँ अभी मैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, 15% ये हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये टाइम लेता है, देखो इतनी अच्छी मैंने मशीन बना रखी है उसमें भी टाइम ले रहा है ये, तो थोड़ा सा ही तो टाइम लेगा यार, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और ये जैसे ही फिनिश हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो कमांड मैं रन करने वाला हूँ वो है सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो आप इसे कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करें सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट। ये करने से क्या होता है कि आपका जो टारगेट है वो GUI में चेंज हो जाता है, यानी कि अब आप लोग अगर इस PC को खोलेंगे तो आपको GUI दिखेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें XRDP भी इंस्टॉल करना है। तो पहले एक्चुअली मुझे XRDP इंस्टॉल करना था। कमांड का जो ये ऑर्डर है मैटर नहीं करेगा, तो इसकी टेंशन आप लोग मत लेना। और यहाँ पर इसके बाद हम इनेबल करेंगे XRDP को एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन। तो ये जो स्टेप है ये काफ़ी इजी है। XRDP को हमने इनेबल कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा sudo रिबूट। और सिस्टम रिबूट होने में थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो जैसे ही ये रिबूट हो जाएगा मैं वापस आऊँगा। और उसके बाद हम SSH से भी लॉग इन करेंगे इसमें, और हम यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से भी इसमें हम लॉग इन करने वाले हैं। तो इसका जो IP एड्रेस है ना, ये कॉपी करता हूँ सबसे पहले। आप चाहो तो IP एड्रेस लिनोड से भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये करें और इसके बाद हम अपने हैरी वाले अकाउंट से लॉग इन करेंगे इसमें। तो आप यहाँ शो ऑप्शंस में जाकर यूज़र नेम में जो भी आपने जिस नाम से भी बनाया था यूज़र, आप वो डाल देना। मैंने हैरी नाम से एक नॉन रूट यूज़र बनाया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं वेट कर रहा हूँ इसके रीस्टार्ट होने का मशीन के, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगने वाला है रीस्टार्ट होने में। आप ऐसा समझ लो आप अपना PC रीस्टार्ट कर रहे हो, टाइम लगता है ना, यहाँ भी लगता है टाइम। और अगर आप नैनोड यूज़ कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा और टाइम आप लोग को लगने वाला है। वेट कर रहा हूँ मैं अभी भी। ओके, तो ये आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये आ चुका है, हमारी PC अप हो चुकी है। और ये कह रहा है पासवर्ड गलत है, दैट्स फाइन। मैंने शायद गलत पासवर्ड डाला था। आप डायरेक्टली लॉग इन करो यहाँ से RDP से, ठीक है, और येस करो। और इसके बाद पासवर्ड हमें सही डालना है। एक बात का ध्यान रखना, रूट वाला पासवर्ड मत डालना है यहाँ पे, जो हैरी का पासवर्ड है वो डालना। यानी कि जो पासवर्ड आप लोगों ने चुना जब आपने ये नॉन रूट यूज़र बनाया था, तो वो डालना है आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक्टिविटीज़ लिख कर आ रहा है डेबियन वाओ, यानी कि मैं इसको एज अ GUI यूज़ कर सकता हूँ। अमेजिंग मैन, दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सेटिंग्स पे जा सकता हूँ, मैं ऐप्स चला सकता हूँ, कई चीज़ें कर सकता हूँ। एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि इसमें GPU नहीं लगा हुआ है, प्लस मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ VPS, उसके कन्फिग्रेशन भी उतने ज़्यादा खास नहीं है। बट अगेन, अगर आप एज अ GUI यूज़ करना चाहते हो अपनी PC को, दिस इज़ हाउ यू डू इट। शो एप्लीकेशंस पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इसमें ज़रा फायरफॉक्स खोल के देखता हूँ, और ये देखता हूँ कि क्या इसमें स्पीड वगैरह ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं ज़रा स्पीड टेस्ट करके देखता हूँ। ये कह रहा है ओपन अप एन अमेजिंग इंटरनेट। अब ये कह रहा है कि भाई तुम रोबोट तो नहीं हो, भाई मैं नहीं हूँ रोबोट। और कभी कभी तो ये कैप्चर इतना खतरनाक दिखाता है ना कि यार 5-6 लोग मिलके भी सॉल्व करें ना, तो उन्हें भी नहीं पता चलेगा। मतलब बस होगी, बस का शीशा दूसरे स्क्वायर में होगा, एक चीज़ कहीं होगी, एक चीज़ कहीं होगी। अब पता लगा लो भाई कि क्या चीज़ कहाँ है और कहाँ नहीं है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया बस के जो सारे बॉक्सेस थे और मैंने एक्सपर्ट क्लिक करा। थोड़ा सा लैग कर रहा है, और इसको ठीक करने का एक तरीका भी होता है। और ये कह रहा है कि भाई मोटरसाइकिल्स चुन लो। ये लो भाई मोटरसाइकिल्स भी मैंने चुन ली। तो गाइस ये तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मैं speedtest.com पर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है, या फिर मैं bing.com पर जाऊँगा और मैं bing.com से सर्च कर लूँगा स्पीड अपनी, टेस्ट कर लूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो सर्वर है वो डिटेक्ट कर लिया है, डैलस टेक्सास। मैं यहाँ पर गो पर क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं गो पर क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकमाई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गया लिखकर। ये एक लिनोड VPS है, इसलिए एकमाई टेक्नोलॉजीज़ लिखकर आ रहा है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये टेस्ट कर रहा है इंटरनेट एक्सेस अलाउ। हाँ ठीक है, लो लोकेशन अलाउ कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर इंटरनेट मेरा टेस्ट हो रहा है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 850 4863 Mbps की स्पीड आ रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अराउंड 1 Gbps की तरफ ये स्पीड जा रही है। ऑसम यार, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे। आप यहाँ पर इंटरनेट वगैरह ब्राउज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को GUI चाहिए होता है और मेरे पास ये बहुत सवाल आता है, तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इसको कस्टमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो। दिस इज़ द बेसिक ऑफ हाउ यू यूज़ अ VPS एज अ GUI कंप्यूटर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।